Audio Jungle. देश के प्रधानमंत्री ने अपील के मुताबिक कोरोना वायरस के प्रकोप के बचाव के लिए पूरा भारत 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है, जिसके मद्देनजर कोई भी फैक्ट्री कोई भी कारखाना नहीं चलेगा। लेकिन मजदूरों के सामने सबसे बड़ा सवाल कि उनके घर का किराया और अन्य जरूरत के सामान के लिए उनके पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली छोड़कर जाना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पैदल ही परिवार सहित दिल्ली को छोड़ रहे हैं। ये नजारा है सादरा जीटी रोड फ्लाईओवर का, जहां पर सैकड़ों की संख्या में आपको सड़कों पर पैदल चलते मजदूर नजर आ रहे होंगे। दिक्कत ये आ रही है सर, यहाँ काम अब है नहीं, अब खाने पीने के लिए भी पैसे जो थे वो भी सब खत्म हो गए। अब 12-15 दिन के अंदर पहले दंगों में ख़त्म हो गया सब पैसा, और बैठे बैठे अब जो है ये कोरोना वायरस की वजह से सारा कुछ जो भी था सब ख़त्म हो गया। अब तो भाई अपने घर जा रहे हैं, जैसे तैसे रहेंगे, अपने बच्चों के बीच में रहेंगे। कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, खाने पीने की दिक्कत हो रही है हमें, तो उसकी वजह से यहाँ से क्या करें। आनंद विहार सोच रहे हैं आनंद विहार जाने को, वहाँ अगर गाड़ी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर पैदल जाएंगे और क्या करें, घर जाना है। सर मैं बदायूँ का हूँ, हाँ जी बिल्कुल जाना पड़ेगा, यहाँ तो भूखे मरने से अच्छा है। रास्ते में इन जैसे भाई हैं, कम से कम हेल्प तो कर रहे हैं, थोड़ी खाने पीने की हेल्प हो रही है, लेकिन यहाँ घर पे तो खाने को नहीं है, किराए पे रहते हैं। मकान मालिक ने बोल दिया कि यहाँ हमारे वहाँ भाई तुम खाली करो, या तो मुझे किराया दो, किराए के लिए बोल रहे हो, कह रहे हैं 2-3 महीने तक अगर ऐसी रहा तो तुम कब तक की किराया दोगे तुम, तो वो लोग इस चीज़ के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए इन दिल्ली से पलायन करके जा रहे मजदूरों में उनके परिवार के लोगों को खाद्य सामग्री वितरित करते इन आम इंसानों को। जब इनको पता लगा कि दिल्ली से मजदूर पलायन कर रहे हैं और उनके साथ अनेक भूखे प्यासे बच्चे पैदल जा रहे हैं, तो उनका दिल भर गया और जिससे जैसा बन पड़ा वैसे खाने का सामान और पीने की बोतल इनको वितरित कर रहे हैं। इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला ने तो इंसानियत की हद ही कर दी। बुजुर्ग अस्पताल डायलिसिस के लिए जा रही, लेकिन रोड पर इस नज़ारे को देख उसके पास जो पैसे थे उसके ब्रेड पकोड़े खरीद कर बांट दिए। मैं चंद्रलोक से आई हूँ और मैं डायलिसिस पे जा रही थी, मैंने यहाँ देखा कि सेवा पानी हो रही है, मैं भी ब्रेड पकोड़े लाई थी, मैंने भी यहाँ बांट दिए, कल फिर लेके आऊँगी कुछ खाने के लिए इनके लिए। बस इतनी है कि बेचारे अपने चले जाएं, अपने गांव कैसे भी जाए, दुखी सुखी होके। बहुत परेशानी आई इन बच्चों को, बहुत ज़्यादा परेशानी आई। मैं बिल्कुल यहाँ जीटी रोड के नियर बाय रहती हूँ, जब मैं टेरिस पे चढ़ी तो मैंने देखा यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग पलायन कर रहे थे, और जो दिल्ली सरकार के दावे हो रहे थे इन तक वो सुविधा नहीं पहुँच पा रही है, और उसमें पता नहीं कहाँ ये दिक्कत हो रही है। और जब मैंने ये बोला तो मेरे बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी निकाली, और वो मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे साथ है, और वो बिस्किट्स और पानी बांट रहे हैं। हमारे यहाँ से सुबह से दूसरा चक्कर है, और हम कोशिश यही करेंगे कि ये लोग रुके, इन्हें समझाएंगे कि आप रुको और आपको दिल्ली सरकार की सुविधा मिलेगी। लेकिन लोग पैनिक हो चुके हैं इतनी इस महामारी से, लोग भूख से भी डर रहे हैं, महामारी का डर से पहले उन्हें एक भूख की मार सता रही है। बिस्किट्स लाएं, क्योंकि हमने अपने टाइल्स पे से देखा कि लोग बाग बहुत से ऐसे ही जा रहे हैं जिनके पास पानी खाना नहीं था। एक जना तो छोटा सा बच्चा था, उन्होंने 2 लीटर की ऐसे बोतलें पकड़ी हुई थी और सर पे मार रहा था। मैंने फिर उससे आके पूछा क्या है, कहता ना खाने को है ना पानी पीने को है, कोई सुविधा नहीं है। तो हमने ये पहल करी कि हम जाके बिस्किट्स बांटेंगे। आई एम वर्किंग इन स्कूल, आई एम अ टीचर। जैसे ही मेरी आज सैलरी आई वैसे ही मैंने ये पहल करी कि मैं अपनी सैलरी में से 50% का इनको डोनेट करूँगी। कैसे जा रहे होंगे भूखे वगैरह, तो इसलिए सहायता करी बस, और कुछ कोई प्लानिंग नहीं है। और ना हम किसी ट्रस्ट से बिचार के, सर हमें लगा था कि जी अच्छा नहीं लगता, जी भूखे जा रहे हैं अच्छा नहीं लगता, ये भी हमारे यहीं काम करा हुआ, हम भी बिजनेसमैन हैं, तो ऐसा नहीं अच्छा हुआ इनके संग, तो इसलिए थोड़ा आगे बढ़े हम भी। वैसे हमारा तीसरा चक्कर है, मंडोली रोड पर रहते हैं जी, हमारा ब्रास स्क्रैप का काम है। वाह जी, सुबह केले बांटे थे और बिस्किट बांटे थे, और फ्रूटी पानी बिस्किट और बहुत कुछ बांट चुके हैं अभी, तो बीच में चावल भी लाए थे अभी। कोई दुकान नहीं खुली, कोई स्टॉल नहीं खुली हुई है, एक आम नागरिक कहाँ से लेगा जो उसके पास इतने पैसे ही नहीं है। ऐसे कोरोना वायरस की वजह से ऐसी मद्दी है कि लोग परेशान हैं, और हम लोग ऐसे ही घर पे बैठे हुए थे, तो हमारे विचार हुआ कि हम लोग कुछ कर सके अपनी तरफ से। तो हम तीन भाई हैं, मैं हूँ, मुकेश है, और हमारा रवि, हमारे तीनों एक कॉलोनी के लड़के हैं, हम लोग नत्थुकली चौक पर रहते हैं। हमारे मन में विचार आ रहा है कि हम कुछ करें, तो हमने जी जो छोटा मोटा हमसे हो सका वो हमने सहयोग करा,
और परमात्मा हमें दे रहा है तो हम कर रहे हैं। भले ही कोरोना वायरस से पूरा देश दहशत में हो और भारत बंद का समर्थन कर रहा हो, लेकिन दिल्ली से पलायन कर रहे मजदूरों को खाने का सामान वितरित कर लोगों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली। Audio Jungle.